तो आज हम करेंगे स्मॉल पॉक्स के बारे में डिस्कस कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है। स्मॉल पॉक्स जो है एक बहुत ही ज़्यादा सीवियर कम्युनिकेबल डिसीज़ है, जिसमें कि जो है ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ब्लिस्टर्स जो है पस फिल्ड होते हैं, जो भी ब्लिस्टर होंगे वो पस फिल्ड होते हैं, और वो पस फिल्ड जो ब्लिस्टर्स होते हैं वो कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा जो हार्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा पेन करते हैं। तो स्मॉल पॉक्स को जो है हम वेरियोला नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये वेरियोला वायरस से कॉज होता है। तो इसका मेन कॉज है, कॉजिटिव जो ऑर्गेनिज्म है वो है मेजर वेरियोला और माइनर वेरियोला। तो मेजर वेरियोला बहुत ही ज़्यादा सीवियर है और माइनर वेरियोला जो है इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है। इनक्यूबेशन पीरियड जो है वो स्मॉल पॉक्स का वो होता है 7 to 17 days का, यानी कि जो वायरस है जो वो सिम्टम्स दिखाना शो करेगा बॉडी में एंटर करने के बाद, तो वो टाइम पीरियड होगा 7 to 17 days। इसके बाद सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे कि स्मॉल पॉक्स में जो है क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है, जो पसी फील्ड जो है ब्लिस्टर्स होते हैं, तो उनमें से अगर वो स्क्रैच हो जाए, अगर वो फूट जाए, तो जो है वहाँ से एक तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, साथ ही साथ जो मसल पेन रहता है उस इंसान को, और बहुत ज़्यादा बॉडी पेन रहेगा। डायरिया और वॉमिटिंग की कंडीशन इसमें देखी जा सकती है, और जो व्यक्ति है उसको बहुत ज़्यादा जो है हाई फीवर रहेगा, और उनको फ्लू लाइक सिम्टम्स भी उसमें कॉमन कोल्ड हो गया जैसे, और थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, ये चीज़ें जो है उन पेशेंट में दिखाई देती हैं। इसके साथ ही साथ स्मॉल पॉक्स में जो है अदर सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि उनमें बहुत ज़्यादा इरिटेशन रहेगी, उनको हेडेक रहेगा, और उनको एनोरेक्सिया रहेगा, भूख नहीं लगेगी उनको, और इंसोमनिया भी रहेगा, उनको ठीक से नींद नहीं आएगी। तो इन सारे जो है इतने जो सिम्टम्स स्मॉल पॉक्स में जो है शो होते हैं जिस भी पर्सन को स्मॉल पॉक्स होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में जो है हिस्ट्री टेकिंग और फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद जो है ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में प्लेटलेट्स और WBC का काउंट जो है, अगर चिकन पॉक्स है तो WBC और प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो बहुत ही लो होता है, बहुत डाउन होता है, तो CBC कर सकते हैं। इसके अलावा जो है स्पेशल लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं वायरस के बारे में जानने के लिए। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो चिकन पॉक्स के लिए जो है पेशेंट को फीवर होगा तो एंटीपायरेटिक्स ड्रग दे देंगे, एनाल्जेसिक ड्रग्स दे देंगे, जैसे कि उनको अगर मसल पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, एंटी डायरियल या फिर एंटी इमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और डायरिया है तो उनको IV फ्लूइड्स देंगे, जिससे कि उनमें डिहाइड्रेशन की कंडीशन ना हो। जो IV फ्लूइड्स के अलावा जो है उन पेशेंट्स को हम एंटी हिस्टामिन्स दे सकते हैं, जिससे कि एलर्जिक सिम्टम्स जो हैं वो कम हो सकें। इसके अलावा वैक्सीन दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं, जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट होगी और जो वायरस है, जो वायरल इन्फेक्शन है वो कम हो सकता है। इनके अलावा एंटीवायरल ड्रग्स भी दे सकते हैं, जैसे कि असाइक्लोविर हो गया, तो एंटीवायरल ड्रग देने से भी जो है जो इन्फेक्शियस कंडीशन है उसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि वो जो ब्लिस्टर्स हुए हैं फॉर्म, उनको जो है क्लीन करते रहें, जैसे कि उनको ब्लिस्टर्स फूट गए हैं, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो वो लूज़ क्लोथिंग पहने, जिससे कि उनमें जो बहुत ज़्यादा इरिटेशन ना हो, और उनको क्लीन करते रहें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखें, प्लेंटी ऑफ वाटर लें, और रिच अमाउंट ऑफ प्रोटीन की जो है डाइट लें। प्रोटीन डाइट लेने से और सॉफ्ट एंड लिक्विड डाइट लेने से जो है उनको अच्छे से डाइजेशन हो सकेगा खाने का। इसके साथ जो है पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, और उनको एक काम एंड क्वाइट एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि इरिटेशन ना हो उनको और वो जल्दी से ठीक हो सके। तो आज हमने पढ़ा था स्मॉल पॉक्स के बारे में कि स्मॉल पॉक्स क्या होता है, और जो है इसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, और इनको जो है पेशेंट को कैसे जो है स्मॉल पॉक्स की कंडीशन को मैनेज किया जा सकता है, कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।